स्टार्ट करते हैं आज के पजल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, और जो भी आईपीपीएस क्लर्क के लिए स्पेशल सूचना जो मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, देखो क्या कह रहा है। सेवन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीएमके पीएचडीएफ विजिट टू पॉलिटेक्निक ऑन ए फोर डेज। कभी भी जब सावत अलग ज्यादा हो, बंदे ज्यादा हो या चीजें कम हो, जैसे डेज कम है यहाँ पे, कार्स कम हो, तो इस तरह का मेथड यूज करेंगे जब हम जो अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चार दिन देखते हैं जो दिन है, ठीक है, इन ए वीक, ठीक है। एटलीस्ट वन डॉक्टर बट नॉट मोर देन टू डॉक्टर्स, यानी एक दो देखता ही देखता है और दो से ज्यादा नहीं देखते, ठीक है। ईच ऑफ देम इज स्पेशलिस्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड, ये अलग अलग नाम है, उनके प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, अलग अलग नाम है, ठीक है, मैं आगे देख लेंगे अपन। अब पहली चीज क्या कह रहा है, चार दिन है ना, तो चार दिन यहां बना लो, क्या है, ट्यूजडे वेनेसडे फ्राइडे, क्या क्या दिन है, ट्यूजडे वेनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, चलो बढ़िया है। ये बना लिया, एक कॉलम और बना लूंगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा पॉजिटिव का, ये हो गया नेगेटिव का। पहली लाइन क्या कह रहा है, पी विजिट्स ऑन फ्राइडे विद रेडियोलॉजिस्ट, पी विजिट ऑन फ्राइडे, यानी पी देख रहा है साथ में क्या है, एक रेडियोलॉजिस्ट है, काम खत्म। द पेडिक्शियन सॉरी पीडियाडिटिक्शियन डज नॉट विजिट ऑन सैटरडे, यानी पीडियाडिटिक्शियन यानी पीडी लिखूंगा मैं केवल, ये यहाँ नहीं आता इस दिन, ठीक है, और ना ही डी और एच के साथ आता है, तो यानी पीडी लिख लेता हूं, साथ में किसके साथ नहीं आ रहा, डी और एच के साथ नहीं आ रहा, काम खत्म। द ओपनोलॉजिस्ट एफ विजिट्स अलोन ऑन ट्यूजडे, यानी एफ आता है वो है क्या, ओपनोलॉजिस्ट, और इसके साथ कोई नहीं आ रहा। देखो इससे एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक, अलोन लिखा हुआ है वहां अलोन होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आगे देखते हैं, एम विजिट्स ऑन वेनेसडे एंड ही इज नॉट प्रिडिक्टिव, जो भी है ये क्या है, पीडियाट्रिशियन, तो एम है, एम विजिट देख रहा है वेनेसडे को और ये पीडी नहीं है, चलो काम खत्म। आगे चलते हैं, के विजिट्स ऑन वेनेसडे यानी के भी विजिट्स ऑन वेनेसडे को देख रहे हैं, एंड ही इज नॉट सॉरी ही इज नॉट एच इज नॉट रेडियोलॉजिस्ट, यानी एच रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो रेडियोलॉजिस्ट कौन नहीं है, एच नहीं है, चलो काम खत्म। यहाँ लिख दिया और साथ में ये भी समझ में आ गया कि एच यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एच क्या होगा, यहाँ जो भी आएंगे वो रेडियोलॉजिस्ट ही है। आगे चलो, पेडियाट्रिशियन एंड विजिट्स विद द एंट स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो ईएनटी है और पेडियाट्रिशियन है वो साथ साथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि ये पीडी वाला आ नहीं सकता, यहाँ पे एक है ऑलरेडी, तो तीन डॉक्टर आ नहीं सकते, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या है, एफ अलोन नहीं आ सकता, तो केवल यही आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ में एम तो वो है ही नहीं प्रिडिक्शन, तो के को होना पड़ेगा पेडियाट्रिशियन जो भी है वो, और इसको होना पड़ेगा ईएनटी, चलो ठीक है। अगला लाइन पढ़ लेते हैं, द न्यूरोलॉजिस्ट विजिट ऑन फ्राइडे, द न्यूरोलॉजिस्ट तो ये हो गया न्यूरो वाला, चलो अब काम खत्म हो गया। पी इज नाइदर ऑर्थोपेडिशियन एंड नॉट रेडियोलॉजिस्ट, यानी एच के साथ बी भी ना ऑर्थोलॉजिस्ट नहीं है, तो एच भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बी सॉरी बी भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे बी भी नहीं आ सकता। अब देखो बच्चा कौन, एक बी एच बच गया, बी बच गया और डी बच गया, यहाँ ये दोनों आ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात यही आना पड़ेगी, और कोई जगह भी खाली नहीं है, और डी बच्चा यहाँ आ गया। अब दो पोस्ट बची है, एक तो कौन सी बची है, ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट सॉरी ऑर्थोपोडिशियन, ऑर्थोपोडिशियन है, और एक और ऑर्थोमोलॉजी है, ठीक है, दो है। ऑर्थोपोडिशियन ये तो है नहीं, कहा था कि बी ऑर्थोपोडिशियन नहीं हो सकता, लास्ट लाइन देख लो, बी इज नाइदर ऑर्थोपोडिशियन, तो ऑर्थोपोडिशियन किसको होगा, ऑर्थोपोडिशियन वाला ये होगा, बच्चा कौन सा है, ऑर्थोमोलॉजी वो हो जाएगा ये, ऑप्थोमोलॉजी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी तेज बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझनी तेज पड़ेगी, जिसको नहीं आई समझ में वीडियो वापस रिवाइज करके देख लें। पजल नंबर ओके गाइस, अब दूसरी पजल देखते हैं, दूसरी पजल आप स्क्रीन पे देखें, मैं यहाँ देखता हूँ। देखो इस तरह की पजल बहुत बार पूछी ही गई है प्री लेवल पे, देखो सेवन पर पीपल है, ठीक है, सेवन पीपल इस तरह की लाइन आप पेपर से पहले खेल सकते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज, ठीक है। सेवन पीपल हैव देयर वीकली ऑफ सम डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज अलग अलग डेज है, वीक के दो भी सात दिन है, तो सात दिन यूज हुए होंगे। आगे कह रहा है, ईच ऑफ देम हैज लाइक अ डिफरेंट क्यूजन, मतलब अलग अलग खाने पसंद करते हैं वो, इटालियन इंडियन मैक्सिकन जो भी है, ठीक है। अब मेरी इन्फॉर्मेशन आती है स्टार्ट से के से, तो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, तो मैंने एक कॉलम में तो लिख लिया एन के टी बी एम डब्ल्यू और आर, ये तो हो गई नाम। अब देखो क्या क्या चीजें, दो चीजें हैं, दो चीजें मतलब दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक चीज में क्या है ऑफ है मतलब डे है, डे में भी दो कॉलम बनाऊंगा, एक में राइट एक में रोंग, और एक में फूड है, फूड है उसमें भी दो बनाऊंगा,
एक में राइट एक में रॉन्ग, ठीक है। अब देखो पहली लाइन क्या कहता है, के लाइक्स थाई फूड, यानी के कहा है थाई, लिख दिया मैंने यहाँ थाई, चलो आगे चलो। एंड गेट्स हिज वीकली ऑफ ऑन ट्यूजडे, यानी थर्सडे, सॉरी टी एच आर एस, थर्सडे हो गया, चलो काम खत्म इसका। आगे क्या कह रहा है, बी लाइक्स इटालियन, यानी बी क्या कर रहा है इटालियन, इटालियन लिख दिया, बी लाइक इटालियन फूड एंड डज नॉट हैव ऑफ ऑन संडे, तो नहीं है तो संडे यहाँ पे आ नहीं सकता, चलो लिख दिया यहाँ पे, इसलिए सारी चीजें यहाँ रहती है ना, इसलिए मैं इस तरह का ये मेथड या अप्रोच यूज करता हूँ। आगे क्या है, एम हैज वीकली ऑफ ऑन, एम हैज वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, यानी एम कहाँ पे है सैटरडे पे है, और साथ में क्या कह रहा है, एंड आर हैज वीकली ऑन ट्यूजडे, आर कब है मंगलवार को है। आगे चलो, W likes continental, यानी W के साथ क्या है continental food है, चलो ठीक है। W likes continental food, whereas the one who has weekly off on Monday likes Mexican, जिसका मंडे है ना वो Mexican करता है। देखो मंडे यहाँ Mexican यहाँ आ सकता है, मंडे यहाँ Mexican यहाँ आ सकता है, तो मैं इसको लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखूंगा मुझे कहीं यूज होगा तो मैं बता दूंगा। T does not like Spanish, यानी टी के आगे मैं यहां लिखूंगा स्पेनिश, यहां नहीं आ सकता स्पेनिश, ठीक है। एंड हिज वीकली ऑफ ऑन वेनेसडे, यानी वीकली ऑफ क्या है वेनेसडे को है, चलो ठीक है जी। अगला क्या है, द वन हु लाइक्स इंडियन फूड डज नॉट हैव वीकली ऑफ इन ट्यूजडे एंड वेनेसडे, यानी ट्यूजडे कहा है यहां इंडियन नहीं आ सकता, वेनेसडे कहा है यहां इंडियन नहीं आ सकता, चलो ठीक है, होगी कंफर्मेशन। अब देख पहले ये इन्फॉर्मेशन, मंडे और मेक्सियन, मंडे यहाँ आएगा मेक्सियन यहाँ नहीं आ सकता, मंडे यहाँ आ सकता है मेक्सियन यहाँ नहीं आएगा, फिर तो ये जगह बची तो डेफिनेटली मंडे यहाँ आया होगा मेक्सियन यहाँ आया होगा, बाकी बच्चा क्या, एक तो इंडियन यहाँ नहीं आ सकता, इंडियन यहाँ नहीं आ सकता, बच्चा क्या यहाँ आएगा इंडियन, ये इटेलियन था ठीक है, इंडियन ठीक है। अब बच्चा क्या, एक तो स्पेनिश बच गया और एक चाइनीज बच गया, तो स्पेनिश यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ आएगा स्पेनिश, और यहां बच गया चाइनीज, ये काम खत्म हुआ इसका। यहाँ पे देखो कौन कौन से वार हो गए, संडे यहाँ नहीं आ सकता, संडे यहाँ नहीं आ सकता, अभी सी बात कहाँ आएगा यहाँ आएगा, बाकी बच्चा कौन सा, मंडे ट्यूसडे हो गया, मंगल गुड फ्राइडे एफ आर आई डे आंसर हो गया। ये आपकी पजल बन गई, कितनी चंद सेकंड्स में बनेंगी, थोड़ा तेज रखो अपने माइंड को और तेज ही समझाऊंगा अब मैं, इतने चार पांच दिन तो मैं तेज ही समझाऊंगा जब तक कलर का पेपर नहीं होता, तो ओके गाइज अब पजल नंबर थर्ड करते हैं। देखो आप स्क्रीन पे देखो मैं यहाँ बताता हूँ, देखो क्या कहा है, पी क्यू आर एस टी फिनिश अ वर्क वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, चलो मंडे से सैटरडे काम कर रहे हैं, वन ऑफ डेज बीइंग हॉलीडे, इनमें से मंडे टू सैटरडे के बीच में एक हॉलीडे है ठीक है, ईच वर्किंग ओवर टाइम ओनली वन ऑफ द डे, मतलब पी क्यू आर एस टी काम तो कर रहे हैं पांचों दिन, पांचों में से पांच दिन क्यों, छह दिन है, छह में एक छुट्टी है और एक दिन मतलब ओवर टाइम करते हैं। फिर क्या कह रहा है, आर एंड टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन फर्स्ट डे, तो मतलब क्या है, पहले तो देख लो मंडे है, फिर ट्यूजडे है, फिर वेनेसडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सॉरी बीच में थर्सडे रह गया, थर्सडे है, फिर फ्राइडे है और एक सैटरडे है, चलो ठीक है सैटरडे। अब इनके बीच में क्या है, ओवर टाइम का हमें निकालना है और हॉलीडे निकालना है, तो एक कॉलम बनाता हूँ मैं राइट का, एक कॉलम बनाता हूँ रॉन्ग का, ठीक है, इस दिन ओवर टाइम करेंगे और एक दिन अपने ओवर टाइम नहीं करेंगे। पहला क्या कह रहा है, आर एंड टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे आर एंड टी नहीं करते, तो यहाँ आर एंड टी नहीं आ सकता। आगे क्या कह रहे हैं, क्यू वर्क ओवर टाइम नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे, यानी इसको मैं बना नहीं सकता, तो जब भी हॉलीडे है इनमें से हॉलीडे, जिस दिन भी हॉलीडे है उससे अगले दिन क्यू काम करता है, ये क्या है, क्यू वर्क ओवर टाइम नेक्स्ट डे, ठीक है। द ओवर टाइम वर्क डन बाई प्रीवियस डे द हॉलीडे वॉज आर, यानी आर ने इससे पहले दिन किया था हॉलीडे, चलो ठीक है, ये मेरा बक्सा बना देता हूँ ताकि इनके बीच में पर्सन नहीं आ सकती है, डेज नहीं आ सकते। फिर क्या कह रहे हैं, देयर इज वाज अ टू डेज गैप बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में दो दिन का है, पी और क्यू इनके बीच में दो दिन का है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। आगे क्या है, पी वर्क ओवर टाइम नेक्स्ट डे द ओवर टाइम ऑफ एस, यानी एस से अगले दिन कौन काम करता है, पी, ये मैंने बक्से में बंद कर लिया, ठीक है। एस के अगले दिन पी काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पी यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ पाएगा, और एस यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो अब देख फिक्स वाली इन्फॉर्मेशन है उसको रखने की कोशिश करता हूँ, आर हॉलीडे क्यू, यहाँ आ सकता है आर, फिर यहाँ हॉलीडे यहाँ क्यू,
देख ले अब है ना आर हॉलीडे क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, आर हॉलीडे क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, तो ना लिख मत के सातों आदि कैंसिल कर, क्यों सारी इन्फॉर्मेशन छोटी सी तो बदल है उसमें क्या टेंशन। आर हॉलीडे क्यू, क्यू यहाँ आएगा तो पी दो चीज छोड़ के, दो चीज छोड़ के नीचे तो जगह नहीं, ऊपर ही आएगा, पी यहाँ आएगा, पी यहाँ नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल कैंसिल हो गया माइंड में। आर हॉलीडे क्यू, क्यू यहाँ आएगा तो क्यू दो छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, पी के ऊपर जस्ट क्या है एस है, एस यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये सही था तेरा। तो तुमने क्या लिखा था, एस ऊपर आया था, पी यहाँ आया था, आर यहाँ है, हॉलीडे है इस दिन, और इसके दिन अगले दिन क्यू है और नीचे टी है, ठीक है। एक ये भी देख लेते हैं केस, आर हॉलीडे क्यू, क्यू यहाँ आएगा तो पी यहाँ आएगा, पी आएगा तो एस आएगा, एस आएगा तो टी यहाँ आएगा, टी यहाँ नहीं आ सकता, तो तेरा आंसर आ गया आर, ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कारण है इसके पीछे क्योंकि अब थोड़ा माइंड तेज चलाओ अपना, क्योंकि पेपर में दो दो तीन तीन चार चार मिनट लेके तो काम बनेगा नहीं ना इस जैसी पजलों के लिए। तो अब हम एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो सूचना बतानी थी वो बता देता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट कोर्स हम 5 दिन में कराएंगे आपको, जो क्वेश्चंस आते हैं हमें एक्चुअली कोर्स पता है, हमें क्वेश्चंस पता है, फिर भी हम उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो छोटे मोटे अलग है उन पे ज्यादा माथा पची कर रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए हम पूरा एकदम मेहनत लगा देंगे। 5 दिन के लिए आप जुड़ जाइए, बाद में बिल्कुल मत जुड़ना, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 5 दिन में हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, कंप्लीट बोले तो कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश भी हम साथ साथ में टच करेंगे, ठीक है। इस तरीके की पद्धति डेली चल रही है, आज 3 हो गई है, 3 मैंने आई होप कहा था 5 मिनट में, परंतु तो कुछ समझाने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लग जाता है कभी कभी, क्योंकि समझा रहा हूँ मैं बोल भी रहा हूँ, आप माइंड से करोगे तो 5 मिनट की पद्धति है 3, ठीक है। इसी तरह की और मिसलेनियस भी चल रहा है आजकल, वो भी देखो और जुड़े रहो हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अच्छा लगे तो लाइक करो और बेल आइकन हिट कर लेना ताकि जो भी नई पता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।